बाद फिर यहाँ पर टीम INS भी एक पॉइंट निकालने में सक्षम रही थी, मतलब अक्षत ने वहां पर एक पिक निकाला, वहां पर नियो ने एक पिक निकाला है, चीजें अभी भी जा रही है। मतलब 30 सेकंड में इतना एग्रेसिवनेस, ये लग रहा है बिल्कुल विपरीत स्ट्रेटेजी एज कम्पेयर टू प्रीवियस मैच, क्योंकि पिछली बार थोड़ा स्लो डाउन होकर खेले थे, जाते ही इस बार ऑल आउट हो जाना है, बेहतर लीड बना लेना, यही आई गेस प्रक्रिया रहती है सोल की हर बार, क्योंकि पिछली बार भी 2 पॉइंट की लीड ऐसी बना ली थी और इसके बाद फिर चीजें बहुत स्लो एंड प्रिसाइसली ली थी, पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस, बट यहाँ पर टीम INS फाइनली टेकिंग द लीड। वेल यहाँ पे आप लीड ज्यादा देर तक बता नहीं सकते, देखिए ऊंचा, क्योंकि यहाँ पे लीड है ना ऐसे सेकंड्स की तरह घूमता है। एंड एक्सपेक्ट बट लुक एट दैट डूम एक बार फिर से अक्षत के शिकार बनते हुए, दूसरी ओर नियो ने प्रज्वल द्वारा कहीं ना कहीं अपने गन टेक दिए, पर आके प्रज्वल को खत्म कर देंगे अक्षत आराम से बिना किसी परेशानी के, पर अभी के लिए 1v2 सिचुएशन है। एक चीज मैं देख रहा हूं, टीम INS बार बार स्प्लिट हो रही है, प्रज्वल को कई बार टारगेट कर चुके हैं अक्षत, पर देखिए धूम की क्या शानदार यहां पर हीरोइक फाइट में नियो ने वो पिक निकाला, बट अक्षत ने भी साथ ही साथ एक अच्छा बैकअप दिया है, धूम के साथ फाइट ले रहे, प्रज्वल फिर से ओपन में आएंगे, अक्षत ने एक शानदार 1v2 निकाला है, लुक एट द बीस्ट, Look at that precious piece of gem. I don't know what is he doing, पर ये जो कर रहे हैं वो बहुत देखने में मजा आ रहा है। देखिए enemy territory में घुस के खत्म करा जा रहा है। He is on another level, sensational, beautiful for sure. Well, Akshat अपने गॉड मोड में आ चुके थे, बस कुछ उसके लिए पूरी तरीके से एक नकल हेड बनना पड़ेगा टीम INS को। INS के अगेंस्ट 10 से 9 पॉइंट का लीड, ये एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लीड है, बट इस बार अक्षत पूरी तरीके से ओवरपावर्ड किए गए, अक्षत के पास कोई कवर नहीं था, एंड बीस और यहाँ एंड मोमेंट पे आप आके कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। 2.5 मिनट का समय है, एंड इस 2.5 मिनट के समय को पूरी तरीके से अगर इस्तेमाल कर पाए सही तरीके से तौर तरीके से, टीम सोल के पास मौका रहेगा इस मैच को जीत के वो बेहतरीन 2 अंक अपने नाम निकालने के लिए, बट गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते। डोम को यहाँ पे पिकऑफ किया गया, अक्षत को भी रिटेलिशन में टेक डाउन किया जाएगा, जहां पे प्रज्वल यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लेते हुए आपको देखने मिलेगी, प्रज्वल की एचपी कम रहेगी, प्रज्वल को डाउन किया जाएगा, साथ ही साथ अक्षत की एचपी बहुत ज्यादा, सॉरी माय बैड, न्यू की एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, बट एज ऑफ नाउ अक्षत के पास अब कभी सोचे हो जो कि आप 6x स्कोप इस्तेमाल करेंगे M4 के साथ, वो भी टीडीएम बैटल के अंदर। ये देखिए ये प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के बिल्कुल परे हैं, क्या ये सोच विचार करते हैं, इसीलिए वो शायद वहां पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं भारत को एक वर्ल्ड लेवल पे भी जाकर, पर अभी के लिए डूम बिल्कुल ओपन में, काफी वनरेबल एंगल, दोनों प्लेयर्स को दो अलग अलग एंगल से धाराशाही करा गया, एंड मैं यहाँ पर एक ही चीज कहूंगा टीम सोल के लिए, इन्होंने टोटली टीम INS को एज्ड कर दिया है, बट कॉन्कर करने की बस बारी है। ये 1 मिनट का समय खत्म होते, ये 1.5 मिनट का समय खत्म होते हुए शायद हम ये अनाउंस करने वाले हैं टीम सोल कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेकर अभी के लिए एक लीड बरकरार करेगी। डूम 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 कमिंग अप विद अ बूम, एंड क्या ब्लड प्रज्वल ने पिस्टल के साथ पुनीत कुमार को खत्म करा, ये देखना थोड़ा सा तो ज्यादा एक क्लियरेस्ट मोमेंट था, क्योंकि वो पिस्टल्स जब आती है ना फाइट में देखकर अलग ही मजा आता है। पर अक्षत आई गेस चंडी पाठ करके आए आज, देखिए अब बस 1 मिनट का समय है होम शो, एंड 4 पॉइंट्स चाहिए टीम सोल को इस मैच को सील करने के लिए, एंड वो 4 पॉइंट निकालना उतना ही मुश्किल है जितना लग रहा है कि आसान होगा, बट उसी के साथ साथ डोम के ऊपर भारी पड़ सकते थे अक्षत, बट वेल प्रज्वल गेट्स पिक टॉप, एंड न्यू एक प्लेयर को डाउन करके साथ साथ डोम को भी नॉकआउट नॉक करते हुए जरूर नजर आ सकते थे, बट इट्स 26-37, अभी भी 3 पॉइंट चाहिए टीम सोल को सिक्योर दिस गेम विद देयर होम, डोम पीछे मौजूद, न्यू के ऊपर डबल पिक आते हुए प्रज्वल गोज डाउन, डोम पीछे मौजूद, डोम को भी डाउन किया जाएगा, एक और पॉइंट, 30 सेकंड से भी कम समय अभी के लिए टीम सोल के पास, 1 पॉइंट की जरूरत, वो 1 पॉइंट उनको मिलेगा, टीम सोल सिक्योरिंग दिस मैच विद